आपने अगर किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 15,000, 20,000, 25,000 रुपए ब्याज पे लिए हैं, आप 500 रुपए जमा करिए, आपका जो लिया लोन है वो माफ हो जाएगा। जी हाँ, मैं इसी खबर को लेकर के भी आपसे बात करूंगा। आप देख, मैं हूँ रोहित सिंह, आप देख रहे हैं उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गोरखपुर में पिछले 3-4 दिनों पहले एक बड़ा हैरत करने वाला मामला सामने आया। गोरखपुर जिले की ग्राम सभाओं की महिलाओं ने एक साथ गोरखनाथ मंदिर पे आकर के अपने ऋण माफी की, जो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ब्याज लिया था, उन ब्याज के माफी को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया। और वहां पे सीएम ऑफिस से वहां पे जाकर के अपनी बात कहने और ऋण माफी की बात रखने की वहां पे प्रशासन से अपील की। जब ये मामला हुआ तो अचानक से एक साथ गोरखपुर जिले के अलग अलग जो कस्बे हैं, ग्राम सभाएं हैं, वहां से इतनी संख्या में महिलाओं का वहां पे आना अधिकारियों के लिए भी एक हैरत की बात थी कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि महिलाएं ऋण माफी, और ये बात उन तक पहुंचाई किसने कि ऋण माफी के लिए महिलाएं एक साथ इतनी संख्या में मंदिर तक पहुंच गई, गोरखनाथ मंदिर तक पहुंच गई, चूंकि गोरखनाथ मंदिर सीएम का कार्यालय भी है। तो जब एजेंसियों ने जांच की, जांच करके जो चीजें सामने निकल के आई, इसमें आईबी भी लगी हुई थी, जांच करी थी लोकल जिले की पुलिस भी अपनी जांच करी थी, जो जांच में सबसे महत्वपूर्ण चीजें आई, इसमें जो जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से ये पूरा मामला ये अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से फैलाया गया था। और इसे लेकर के 3 तारीख को अंबेडकर जन मोर्चा ने 2 पन्ने की एक विज्ञप्ति एक तरह से ये उन ग्रामीण महिलाओं के पास भेजी भिजवाई थी। उसमें ये उन्होंने बताया था कि करीब 24 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ऐसी हैं जो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गलत तरीके से महिलाओं को लोन दे करके, उनके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन तक लोन दिया, और लोन दे करके उनके साथ आर्थिक जो उनका पैसा फंसा हुआ है उसको लेकर के इन पे ब्याज अतिरिक्त और अधिक ब्याज का दबाव बनाती थी। आईबी ने फिर जांच की, तो जांच करने में जो चीजें सामने आई और जो लोकल पुलिस की जांच में सामने आई, उसी आधार पे पहला मुकदमा महाराजगंज में दर्ज हुआ। माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने ही अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा गौतम और उनके सहयोगी, वो भी अध्यक्ष ही एक तरह से, श्रवण निराला, इनके नाम से एफआईआर दर्ज कराया। और जब जांच बढ़ी और पूछताछ में चीजें सामने आने लगी तो ये तथ्य सामने आया कि इन्होंने जो महिलाएं थी, महिलाओं ने जिन्होंने लोन लिया था, उन महिलाओं से इन्होंने 500-500 रुपए खुद से एक फॉर्म दिया, फॉर्म पे इनसे साइन कराया, साइन करा करके 500-500 रुपए इनसे उन्होंने जमा कराया, ये बोलकर कि आपने जो बैंक को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जो आपने ब्याज लिया है वो ब्याज अब इसके बाद माफ हो जाएगा। भारी संख्या में महिलाओं ने भी इनके पास 500 रुपए जमा करके और उस फॉर्म को भर करके, फॉर्म भरना क्या, एक तो महिलाएं कम पढ़ी लिखी और थोड़ा सा सामाजिक इन सारी चीजों से दूर रहती थी, ऐसी महिलाओं को इन संगठन ने पकड़ा भी और उनसे 500 रुपए लेकर के, इनसे साइन करा करके उनको कहा कि आपका ब्याज माफ हो जाएगा। लेकिन ब्याज माफ नहीं हुआ, और जब ब्याज माफ नहीं होने पर महिलाओं ने दोबारा इनसे संपर्क किया, तो जैसा जांच एजेंसी, जैसे जो रिकॉर्ड है उनके हिसाब से माने तो इसी के द्वारा, मतलब ये पार्टी के अध्यक्ष के और इनके सहयोगियों के द्वारा ही बात कही गई कि जो महिलाएं जिन्होंने लोन लिया है वो सीधे सीएम ऑफिस से, मतलब गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है वहां पे सीएम का ऑफिस भी है, आप सीधे वहां पे जाकर के अपनी बात कही और आपका सारा जो ब्याज है वो माफ हो जाएगा। अब हैरत, मतलब महिलाओं को जब ये सुना तो उनको ये ताजुब लगा कि अगर मेरे सीएम के दरबार में जाने के बाद या सीएम के पास अपनी अर्जी लगाने के बाद उनके ब्याज माफ हो सकते हैं, तो यही सोच के बिना एक बात पर, इन सारी बातों की तथ्य पर जो सच्चाई ही जाने, महिलाएं वहां पहुंच गई। जांच में एक चीज और सामने आई है, गोरखपुर जिले में कुल 882 ग्राम पंचायत है, और इन ग्राम पंचायतों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने स्वयं सहायता समूह की जो संचालिकाएं हैं उनको भी कमीशन के हिसाब से अपने साथ जोड़ा हुआ था। जोड़ा इसलिए था कि कमीशन जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं या जो ग्राम समाज की महिलाएं थी, महिलाओं को 25,000 से 20,000, 30,000 जो भी उनकी जरूरत के हिसाब से उनको ब्याज पे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से पैसा दिलवाती थी।
कई महिलाएं तो ऐसी भी जांच में सामने आई जिन्होंने चार चार पांच पांच कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास जो ये कमीशन जाता था, कमीशन की संचालिकाओं को भी मिलता था। ये सारी चीजें जांच में सामने आई है किस तरीके से इन महिलाओं को संचालिकाओं ने या फिर जो जन मोर्चा है जन मोर्चा की तरफ से या अलग अलग जिन भी जो जिस प्लेटफॉर्म पे वो महिलाएं गई उनकी मदद करने की जगह उनके साथ उनके विश्वास को छला गया। और कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने ब्याज भरने के लिए, मतलब ब्याज की दर आपको बताएं तो आप हैरत करेंगे, ब्याज की दर 25-30% इनसे वसूली जाती थी महीने की, औसतन देखा जाए तो 2% की दर डेली के हिसाब से। इन्होंने ब्याज को भरने के लिए अपने घर का, अपने घर की जमीन, अपने घर का जो भी जेवर गहना, यहाँ तक ये सारी चीजें इन्होंने भी बैंक वो दूसरी जगह साहूकारों के पास या बैंक के पास रख के उन पैसे को जमा करने का पूरा प्रयास किया। और अब ये और इस पूरे मामले में सरकार या सरकार के पक्ष का किसी से कोई लेना देना नहीं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और ये महिलाएं, लेकिन इस तरीके से इसको जो राजनीतिक रूप से तैयार करा गया और महिलाओं को परेशान, पहले आर्थिक उसके बाद फिर मानसिक और शारीरिक करके जो प्रशासन इस मुद्दे इस पॉइंट को भी देख रही है कि कहीं ये इस चुनाव को लेकर के या किसी और राजनीतिक विद्वेष की वजह से तो इस पूरे मामले को नहीं आगे बढ़ाया गया था। बाकी अमर उजाला के साथ आप बने रहिए और इस तरह की खबरें या फिर गोरखपुर से जुड़ी खबरें समय समय पे आपको अपडेट करके मिलती रहेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।